नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में जनता राज है या जंगल राज है, यह सवाल इसलिए बड़ा होता जा रहा है क्योंकि आए दिन राज्य में कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके बाद यह सवाल आम लोगों के मन में बार बार उठ रहे हैं। और ऐसी ही आज एक घटना आज छपरा में देखने को मिली है। दरअसल यह जो घटना हुई है, इसमें एक व्यक्ति के घर पर एक व्यक्ति ने, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का, दबंग प्रकृति का बताया जा रहा है, उसने बुलडोजर लेकर के उसके पूरे के पूरे घर को ढा दिया है। और कहा जा रहा है कि इस मामले में जो पीड़ित है, पीड़ित ने बकायदा इसकी पहले से ही शिकायत पुलिस में की थी, लेकिन पुलिस ने तमाम शिकायत मिलने के बाद भी उचित समय पर कार्रवाई नहीं की। उस जो व्यक्ति ने, जो कि बुलडोजर लेकर के और पीड़ित के मकान को, पीड़ित के जो उस संरचना थी उसे पर बुलडोजर से ढहा दिया, उसके ऊपर समय रहते कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की गई थी, जिसके कारण वह अब दबंग व्यक्ति, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है, उसने पुलिस को, कानून को चुनौती देते हुए, अपना कानून चलाते हुए और एक व्यक्ति के घर को बुलडोजर लेकर के ढा दिया है। दरअसल बुलडोजर इन दिनों काफी सुर्खियों में है। बार बार ऐसा देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में और कई अन्य जगहों पर ऐसा होता है कि बुलडोजर बाबा, बाकायदा योगी आदित्यनाथ को तो बुलडोजर बाबा के नाम से कहा जाता है कि वहां पर जो पुलिस कार्रवाई करती है अपराधियों के खिलाफ, उसमें बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यूपी से अलग बिहार में जो कार्रवाई हो रही है, वहां पर अपराधी ही बुलडोजर लेकर के आ रहे हैं और आम लोगों के घरों के उसको बुलडोजर से ढा दे रहे हैं। पुलिस मुखदर्शक बनी बैठी हुई है। शिकायत के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और बकायदा इसकी शिकायत अब शिकायत जो पीड़ित है, पीड़ित ने वहां के एसपी से की है। दरअसल यह जो पूरा का पूरा मामला है, यह छपरा के मुफस्सिल के इलाके का है। यहाँ के सारहा में दिन दहाड़े बुलडोजर से अपराधियों ने घर और दुकान में तोड़फोड़ की है और इसी मामले को लेकर के अब वहाँ पे भय की स्थिति बनी हुई है। जो शिकायतकर्ता के अनुसार छपरा के मुफस्सिल थाना की पुलिस ने इस मामले में समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित ने अब एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मामले में इस एसपी ने इसमें जांच के आदेश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि सारा मठिया निवासी बेबी देवी से 2 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी, इसकी शिकायत भी उन्होंने की है। और कहा जा रहा है कि बेबी देवी ने जो 2 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी, वह रंगदारी नहीं दिया, तो इसके बाद आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने उनके घर और मकान पर दिन दहाड़े बुलडोजर से चला दिया। बुलडोजर से उनके मकान को जमींदोज कर दिया गया। दिन दहाड़े जो इस घटना घटी है, इसके बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है। वहीं बेबी देवी जो है, उन्होंने अब एसपी से गुहार लगाई है कि हमारे जान माल की रक्षा की जाए, अपराधियों से हमें बचाया जाए और जिन लोगों ने यह कार्रवाई हमारे ऊपर की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दिन दहाड़े जो यह घटना हुई है, इसमें पुलिस की शिकायत के बाद भी पुलिस उचित समय पर कार्रवाई नहीं होने से अब वहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष भी देखने को मिला है। और इसी को लेकर के यह बार बार अब सवाल उठ रहा है कि राज्य में जिस जंगल राज और जनता राज के नाम पर पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किया जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में जो छपरा की यह घटना हुई है कि अपराधियों का मनोबल जो इतना बढ़ चुका है कि वो दिन दहाड़े एक व्यक्ति के घर के ऊपर, मकान के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं और पुलिस मूकदर्शक बनी बैठी रह जाती है, वह भी उस स्थिति में जबकि शिकायत होने की भी बात कही जा रही है। तो पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं बेबी देवी ने, उनका कहना है कि हमारी संपत्ति के ऊपर, जो हमारा मकान था, दुकान था, उसके ऊपर दिन दहाड़े बुलडोजर चला दिया गया, जबकि हमने पुलिस से शिकायत कर रखी थी, लेकिन समय रहते स्थानीय थाने की जो पुलिस थी उसने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अब मजबूर होकर के हमें एसपी के शरण में गुहार लगानी पड़ी है और हम चाहते हैं कि एसपी अब हमें न्याय दिलाएं और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन इन सब के बाद एक बड़ा सवाल तो जरूर उठ चुका है कि राज्य में क्या सत्ता बदलने के बाद अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि वो अब आम लोगों के जो संपत्ति है, आम लोगों के घर हैं, उनके ऊपर अपनी दबंगई कायम करने के लिए दिन दहाड़े बुलडोजर चला देंगे। तो यह स्थिति क्या होगी आगे इस मामले में, अब छपरा की जो पुलिस है, छपरा पुलिस क्या कार्रवाई करती है, राज्य पुलिस के ऊपर जो यह गंभीर आरोप पीड़िता की ओर से लगाए गए हैं, उसके बाद अपराधी के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, इन तमाम के बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज फोर नेशन पे।